संसद के समक्ष आने वाले कामों को नियत वक्त में निपटाने में सर्वाधिक मददगार होती है संसदीय समितियां। इन्हीं संसदीय समितियों में से एक है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। संसद की वित्तीय समितियों में से एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन पहली बार साल 1964 में हुआ। इस समिति का कार्यकाल एक साल का होता है। यही वजह है कि समिति का गठन हर साल किया जाता है। 22 सदस्यों वाली समिति के 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। समिति की ओर से किए जाने वाले कामों की अगर बात की जाए तो ये समिति लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की 4th अनुसूची में दिए गए सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जाँच कर सकती है। समिति सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। समिति सार्वजनिक उपक्रमों की ऑटोनॉमी और इफिशियंसी यानी स्वायत्तता और दक्षता की जांच करती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि सरकारी उपक्रम व्यावसायिक सिद्धांतों और नीतिगत व्यावसायिक व्यवहार के मुताबिक ही कार्य करें। इसके साथ ही लोकसभा समिति और प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आने वाले काम जो समिति को सौंपे जाते हैं उन पर भी यह समिति काम करती है। समिति सरकारी उपक्रमों या उससे जुड़े विषयों को चुनकर उनकी समय समय पर जांच करती है। समिति को इस बात का भी अधिकार है वो संबंधित मंत्रालय या उपक्रम से जांच संबंधी सामग्री की मांग करें या फिर अध्ययन दल गठित कर परियोजना या उपक्रम का दौरा करें। इस दौरान समिति की ओर से होने वाली हर एक बैठक अनौपचारिक होती है जिनके विषय में बाद में औपचारिक बैठकों में विस्तार से चर्चा होती है, फिर रिपोर्ट तैयार कर संसद के समक्ष पेश किया जाता है। साल 1964 में स्थापना के बाद से समिति ने अब तक 680 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इनमें से 310 मूल रिपोर्ट हैं। 316 समिति की मूल रिपोर्ट पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट है, साथ ही 54 स्टडी टूर रिपोर्ट भी हैं। 310 मूल रिपोर्ट में से 38 सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर हॉरिजॉन्टल अध्ययन यानी कि जो जानकारी है उस पर ध्यान केंद्रित कर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट है।